नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सन वाले जो यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करें द्वार्षिक परीक्षा 2023 सो इसका नवी क्लास का दोस्तों सामाजिक विज्ञान का भी पेपर आ चुका है। अभी 3.15 घंटे का एग्जाम होगा, 70 नंबर मार्क्स रहने वाले, आंसर सहित आपको बताने में। तो सभी छात्र यहाँ पे वीडियो को जरूर देखे और शेयर भी करें अपने अपने दोस्तों को। सभी जिलों के दोस्तों पेपर बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे छोटे नंबर जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, पहले का पहला, अतीत का सम्मान करते हुए सामाजिक परिवर्तन लाने की धीमी प्रक्रिया के समर्थक थे। पहला क्वेश्चन का आंसर वहां पे बे ऑप्शन समाजवादी। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, दूसरा क्वेश्चन आएगा बे ऑप्शन 26 नवंबर 1949 के अंदर। तीसरा क्वेश्चन है सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था, तीसरा क्वेश्चन का आंसर होगा टाइल है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर अमेरिका में स्थित शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया, तो चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा से ऑप्शन 1929 में। पांचवा क्वेश्चन है भारत की मानक यामोतर रेखा है, तो पांचवा क्वेश्चन का आंसर होगा भाई ए ऑप्शन 82 डिग्री 30 सेकंड पूरी देशांतर है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स नंबर, लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, तो सिक्स में आएगा बे ऑप्शन 543। निम्न से कौन सा उत्पादन का प्रमुख साधन है, इसमें आएगा द ऑप्शन उपयोग सभी, भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है, द ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एट, भारत में निर्धनता के आकलन हेतु प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करवाता है, इसमें आएगा से ऑप्शन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन, ये भी एक एक नंबर क्वेश्चन है, टूटी हुई जंजीर से क्या तात्पर्य है, तो टूटी हुई जंजीर से तात्पर्य कि दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता है, टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक है। उसके बाद में बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, काल बैसाखी किसे कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं तेज गति से चलने वाले स्थानीय तूफानों से इसका संबंध है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी थी, तो इसका आंसर होगा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। नेक्स्ट बात करते हैं मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राजील, इटली, यूनान। उसके बाद में आता है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप, ठीक है, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आगे सात नंबर, जर्मनी में आर्थिक संकट के दो कारण बताने, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, दो नंबर के, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास घटना क्या है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि वो भी स्टूडेंट पेपर देख सके। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, स्पष्ट करना होगा। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर, पार्टी चुनाव चिन्ह क्या होता है, इसे क्यों आवंटित किया जाता है। नेक्स्ट बात करें 12 नंबर क्वेश्चन, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 13, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, और गंगा नदी की दो सहायक नदियों के यहाँ पे नाम पूछा है, तो यहाँ पे मैं कई यहाँ पे बता देता हूँ, यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन, तमसा गंगा, तो इनके नाम है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कोई से। समाजवाद की कोई दो विशेषताओं के बारे में बताना है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या क्या भूमिका यहाँ पे दे रखी। अब आते हैं आपके थोड़े बड़े क्वेश्चन यानी कि 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, ओलंप दे गूंज के जीवन का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए, भी 3 नंबर का है। नेक्स्ट आता है 19 नंबर, पालमपुर गाँव की गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर एक टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट आता है 20 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन 4 आदर्शों पर बल दिया है। नेक्स्ट 21 है, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और उसकी विशेषताओं के बारे में लिखे। 22 क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक तथा गैर लोकतांत्रिक चुनाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। 23 क्वेश्चन है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है। उसके बाद में आता है निम्नात्मक क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन, और इसके अंदर दोस्तों अर्थों में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए, प्रथम विश्व युद्ध रूसी क्रांति के कारण कैसे बना विस्तार समझाइए, लोकतंत्र के प्रमुख गुण दोषों के बारे में बताइए, अथवा के अंदर पूछा भारत की चुनावी प्रणाली की विशेषताओं के बारे में लिखे। 26 क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में उत्पादन के तीन कारकों भूमि, श्रम, पूंजी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और दोस्तों यहाँ पे अथवा पूछा है भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों का स्पष्ट करते हुए उन्हें दूर करने के सुझाव भी दीजिए।
लास्ट क्वेश्चन है 27, भारत के रेखा मानचित्र में इनको दर्शाना होगा, जैसे बात करें अरावली श्रेणी हो गई, लक्षद्वीप हो गया, सिक्किम हो गया, कोरामंडल तट हो गया। उसके बाद बताओ मैं थार का मरुस्थल, पश्चिमी बंगाल, मालाबार तट हो गया और पुलिकट झील हो गया। तो ये पेपर दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, तो जल्दी इस पेपर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी आप कर सकते हैं, और चैनल को शेयर कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी जिलों के अंदर दोस्तों पेपर काम आने वाला है। धन्यवाद।